वेलकम टू अलाइड स्कूल सलमान फारसी कैंपस यूट्यूब चैनल। वी आर डिस्कसिंग सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 3। दिस इज़ प्री समर होमवर्क सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस टुडे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन। We have to draw a diagram and we will explain how earth spins around the sun. Zameen suraj ke gird kaise spin karti hai, kaise ghumti hai. Question number 2 is write a short paragraph in your notebook about why you like living in Pakistan. Ek short paragraph likhna hai jisme hame ye batana hai ki hum Pakistan mein rehna kyu pasand karte hain. Number 3, you should cross the road at a zebra crossing. Do you know what it looks like? Draw and color 1 in your notebook. जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए, अदरवाइज हम हर्ट हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, तो हमें उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। Number 4, write 5 lines how will you celebrate 23rd March Pakistan Day. हमें 5 लाइंस में लिखना है कि 23rd मार्च पाकिस्तान डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन हाउ अर्थ स्पिन्स अराउंड द सन। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन डेल्ट इन पेज नंबर 2 एंड 3 ऑफ योर सोशल स्टडीज़ बुक। The first point is the earth spins in an anti-clockwise direction. It completes one round in 24 hours on its axis. Actually, earth has two movements. Its first movement is on its axis. This is called rotation. The earth, like a top, spins on its axis. It spins. And it spins around its axis. It takes 24 hours to spin around its axis, on its axis. So this rotation causes day and nights. It is day in that part of the earth which faces the sun, and it is night on the other side that faces away from the sun. This side जो साइड सूरज के सामने होती है वहाँ पर दिन होता है, और जो साइड सूरज से दूर होती है वहाँ पर रात होती है। तो ये जो टॉप लाइक रोटेशन, जो अर्थ की स्पिनिंग है एंटी क्लॉक वाइज, इसको हम रोटेशन कहते हैं। और इट टेक्स 24 आवर्स, 24 घंटे में हमारा एक दिन और एक रात पूरी हो जाती है। लेकिन अर्थ की एक दूसरी मूवमेंट भी है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन जो पूरा एक ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ जो मूव करती है अराउंड द सन, उस पूरे ऑर्बिट के गिर्द इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट अराउंड इट्स ऑर्बिट, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। वन ईयर कंप्लीट्स इन 365 डेज, तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो अर्थ की ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, इससे हमारा साल भी मुकम्मल होता है और इससे हमारा दिन भी मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन योर नोटबुक अबाउट व्हाई यू लाइक लिविंग इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में रहना क्यों पसंद करते हैं, उस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है आपने। तो ये हमने आपकी बुक के पेज नंबर 18 और 20 से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है और यहाँ हमने उसको लिखा है। आप वहाँ उन्हीं पेजेस से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ माई मदर लैंड। आई लाइक टू लिव इन पाकिस्तान बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क दुनिया में कम ही है। बहुत खूबसूरत अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है। इट्स पीपल आर वेरी फ्रेंडली। इसके लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली हैं। वी आर फ्री इन दिस कंट्री। हम इस मुल्क में आज़ाद हैं और आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है। इकबाल ने कहा था कि ग़ुलामी में घट के रह जाती है एक जुए कम आब, और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। तो आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है दुनिया में, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इट हैज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड। बहुत
ज़मीन हमारी ज़रखेज़ है, इट प्रोड्यूसेस एवरीथिंग, इस ज़मीन ये हमारी जो है हर तरह की चीज़ें उगाती है और उन नेमतों से हम फ़ायदा उठाते हैं। इट हैज़ डिफरेंट सीजन्स, और सीजन्स का अपना एक हुसन है, अपनी खूबसूरती है, हम इंजॉय करते हैं सर्दी गर्मी खिजां बहार, फोर सीज़न जो हमारे हैं विंटर समर ऑटम और स्प्रिंग, इन सब को हम इंजॉय करते हैं, ये अल्लाह ने हमें नेमत दी है। इट हैज़ माउंटेंस रिवर्स सी लैंड्स डेजर्ट्स फॉरेस्ट एंड प्लेट्यूस। तो ये पाकिस्तान, अल्लाह इसको हमेशा ज़िंदा रखे, ये हमारा वतन इंतहाई खूबसूरत वतन अल्लाह ने हमें दिया है। और वतन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी जब मक्का से हिजरत करके गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं मक्का तो ये छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि मुझे जाना पड़ रहा है। तो वतन की मोहब्बत जो है ये हर एक के दिल में होती है, क्योंकि हम यहाँ पैदा होते हैं, इस मिट्टी से हम पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू शुड क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, डू यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक, ड्रॉ एंड कलर वन इन योर नोटबुक। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम रोड क्रॉस करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ लाइंस बनी होती हैं, जिस तरह के ज़ेब्रा के ऊपर बनी होती हैं लाइंस। तो ये आपको पेज 39 में डील हुआ है, हमने एक पिक्चर डाल दी है। तो इसी तरह की कोई भी पिक्चर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की वो आप नोटबुक में बनाएंगे, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही से रोड क्रॉस करनी चाहिए जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, और अगर ना हो तो फिर हमें राइट एंड लेफ्ट अच्छी तरह से देख कर फिर रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 लाइंस, हाउ विल यू सेलिब्रेट 23rd मार्च पाकिस्तान डे। आप कैसे 23rd मार्च पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करेंगे? आपको मालूम है कि ड्यू टू कोरोना वायरस वी कुडंट सेलिब्रेट 23rd मार्च दिस ईयर, क्योंकि हम सब, आपको पता है, लॉकडाउन हो गया, हम सब अपने घरों में हैं और हमारी सेहत की वजह से हमें अपने घरों में रहना है। तो इस वजह से हम इस दफ़ा 23rd मार्च को सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन जनरली हम चूँकि हर साल पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट करते हैं तो ये हमें सोचना है कि हम पाकिस्तान डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान डे का थोड़ा सा हम तारुफ कराते हैं कि व्हाट इज़ पाकिस्तान डे। ऑन 23rd मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड एट मिंटो पार्क। एट दैट टाइम दैट पार्क वॉज कॉल्ड मिंटो पार्क, और नाउ दिस पार्क इज़ कॉल्ड इकबाल पार्क, वेयर नाउ मीनार ए पाकिस्तान स्टैंड्स। तो वहाँ पर बरसगीर के मुसलमानों ने इकट्ठे होकर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी, एक रेजोल्यूशन पास की थी, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर कि मुसलमान हिंदुओं से एक अलग नेशन है, अलग कौम है, तो हमें एक अलग वतन चाहिए। हम हिंदुओं के साथ एक मुल्क में अच्छी तरह से ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते, अच्छी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इस वजह से हमें एक अलग वतन का मुतालबा किया था 1940 में, 23rd मार्च 1940 को। और उसी याद में हमने आज वहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, जो वो उसी रेजोल्यूशन की याद में है, उसकी मेमोरेंडम में है। तो ये टू नेशन थ्योरी जो है इसके बुनियाद पर चूँकि पाकिस्तान बनने का मुतालबा हुआ था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला मुसलमान बरसगीर में हुआ था। तो इस वजह से ये हमें उस दिन की याद में हम 23rd मार्च को यहद करते हैं कि हम अपने वतन को मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे। तो इस दिन को हम जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमें पता है, तो उस बुनियाद पर हमें सेंटेंसेस लिखने जो हम रूटीन में करते हैं। एट द एंड I thank you for attending the session and hope that you will do your homework easily, inshallah. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi.